वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज नेहा तिवारी। और आज हमारे हुए हैं बनारस में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, इट्स वेरी क्राउडेड, एक्चुअली बहुत क्राउड है। और हम आई थिंक 9 o'clock पर हम दर्शन के लिए निकले थे, एंड अभी कुछ देर पहले, मीन्स आधे घंटे पहले हम दर्शन करके आए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बनारस की लस्सी, और ये हमको देने वाले भैया, बहुत टेस्टी था एक्चुअली, उसका टेस्ट काफी अच्छा था। सो भैया, आप कितने टाइम से है ये आपका? ये इनका राज टी है, ठीक है। तो अगर आप बनारस आते हो, प्लीज विजिट करना, काफी टेस्ट, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। और आपका नाम क्या भैया, नाम भी बता दे अपना। लखन यादव। लखन यादव जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी निकाल कर आया है। वेरी नाइस, थैंक यू। ये मैं जहाँ पे सूट कर रही हूँ, ये बनारस की एक्चुअली बहुत पुरानी गलियों में से एक है। एंड मॉर्निंग में जब व्हेन वी रीच्ड हियर एक्चुअली, सो वी वर लुकिंग फॉर अ होटल, एंड यहाँ पे हमको बिल्कुल नहीं मिला, बिकॉज पूरे होटल जो थे फुल थे। सो बट फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमको एक रूम मिला, एंड वी गॉट फ्रेशन अप, एंड देन हम दर्शन करने के लिए गए। सो काफ़ी पुरानी गली है ये। अभी हम यहाँ पे आरती के लिए आए हैं, ये दशमेव घाट है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, आई कुडंट इमेजिन कि इतनी ज़्यादा क्राउड होगी, सीरियसली। आरती इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, नॉट नाउ बट थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होने वाली है। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीट ले लिया है, बिकॉज भीड़ होने के बाद फिर आपको मिलती नहीं है। Okay, so now we are heading to mall because Parky really wants to eat McDonald's, what? Burger and some French fries. So she's been waiting for me because मैं वहाँ पे आरती अटेंड कर रही थी, और I can't tell you कितनी क्राउड है। बाकी आप बताना चाहोगे कितनी क्राउड थी वहाँ पे? मॉर्निंग एवरीवन, सो इट्स डे टू इन बनारस, और अभी हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। एंड रिक्शे में बैठे हुए हम काफ़ी लेट हो गए, बट गंगा स्नान तो करना ही था। बनारस में आप आओ तो ऑब्वियसली गंगा स्नान लेना ही लेना है। सो यस, वी आर हेडिंग फॉर दैट, एंड देन उसके बाद बीएचयू जाएंगे हम, एंड देन मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो हम बोट में बैठ चुके हैं, अभी हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा मैया की
तो अगर आपको अगर कैमल राइड कर रहे हैं या घोड़ घोड़ सवारी करनी है तो आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। और ये पीछे पूरा कैंप बना हुआ है एक्चुअली कपड़े चेंज करने के लिए है यहाँ पे, और अभी शायद अभी और भी बनेगा। पान काफी न्यू वैरायटी की लग रही है मुझे, श्री राम पान भंडार, ये पान बन के रेडी भी हो गया। सब पान है, देखिए 20 का ये 30 का ही 50। तो बनारस आना है तो आपके पास पान तो ट्राई करना ही पड़ेगा आपको। और ये काफी सारी वैरायटी की पान है यहाँ पे, और ये है हमारे पान बनाने वाले भैया। Okay, so this was all about today's vlog. Hope you guys liked it. And, do subscribe, like and comment. See you soon.